हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर डेट अपडेट मिलता रहे। आज हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज का फॉर्मेटिव असेसमेंट 3। बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्क्स कम आ रहे हैं प्रोजेक्ट में कहकर शिकायत करते रहते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं। वो लोग ये नहीं जानते कि प्रोजेक्ट सही करना चाहिए, तो आप चाहे तो ये भी कर सकते हो या इसके बदले आपको एक आइडिया मिल जाएगा, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 है, तो यहाँ पर रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन आपको पहले लेना होगा। रीडिंग और रिफ्लेक्शन 3 में तो यहाँ पर आपको लिखना है प्राइमरी डिटेल्स क्या है, आपके डिटेल्स यहाँ पर लिखना है। ये प्राइमरी डिटेल्स है आपको, डिटेल्स आपको पूरे कम्प्लीटली यहाँ पर से आपको लिखना पड़ेगा क्या क्या है, किस किस का आप रिफ्लेक्शन लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर है द फॉक्स एंड ग्रेप बुल है, उसकी कहानी है यहाँ पर, ये है, ये पूरा लिखे बाद इसका एक पिक्चर आपको पेस्ट करना होगा। इस तरह लिखे बाद देखिए यहाँ एक पिक्चर आप ड्रॉ करें, यहाँ से ड्रॉ करें, यहाँ से इस तरह आपको पिक्चर ड्रॉ करना है। चाहे तो आप नेट से निकाल सकते हैं, उसका डिटेल्स यहाँ पर है। ये कंप्लीट हो गया आपका रिफ्लेक्शन वर्क। उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन वर्क, यहाँ पर आप कंप्लीट हो गया, यहाँ पर आप मार्क्स यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पे फिर आपको प्राइमरी रिपोर्ट आपको लिखना होगा, आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पर देना होगा आपको, और कहाँ से ले रहे प्रोजेक्ट, किधर से ले रहे, कौन सी बुक से ले रहे, आपका पूरा डिटेल्स देना है। अब यहाँ से प्रोजेक्ट है, देखिए ये आपको क्या है, इसके अंदर आप देख के कर लीजिए। चाहे तो आप दूसरा भी कर सकते हो इसके बदले, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि प्रोजेक्ट वर्क किस तरह किया जाता है। ये पूरा एक बॉक्स में डिटेल्स लिखे गए हैं, ये पूरा बॉक्स है, देखिए आप कम्प्लीटली है आपको ये देख लेंगे, आप स्क्रीनशॉट्स लेके भी कर लेंगे। यहाँ पर एक पिक्चर पेस्ट की गई है, उसका डिटेल्स यहाँ पर है, रिपोर्ट है देखिए यहाँ पर, इसका डिटेल्स है यहाँ पर, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर एक पिक्चर नेल्सन मंडेला की है, फिर यहाँ से उनके बाद भी डिटेल्स है यहाँ पर, नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी है या उन्होंने कौन से अच्छे काम करे, उन्हें किस लिए मशहूर है, पूरा इसके यहाँ पर डिटेल्स लिखना है। यहाँ पर मदर टेरेसा का एक पिक्चर है, उसके बाद यहाँ पर उनके बारे में लिखा गया है, सिमिलैरिटीज क्या क्या है सभी यहाँ पर है देखिए। उसके बाद कंक्लूजन आपको लिखना, तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। कंक्लूजन मतलब इससे आपको क्या हासिल करें। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप, ये तो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए चाहे तो आपको स्कूल में भी दे सकते हैं, इस तरह एक क्वेश्चन पेपर है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट तो आपको अपनी तरफ से करना है, यहाँ पर इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर प्रिंट करके दिया गया है, लेकिन आपको अपने स्कूल में देंगे उसके मार्क्स आपको डिवाइड करेंगे। इतना ही है इंग्लिश का, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स।